लॉन्च के मौके पर पूरे विज्ञान भवन में जोश, उत्साह और उमंग का रंग देखने को मिल रहा है। हर तरफ किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक आशा की उम्मीद सबके चेहरे पर नजर आ रही है कि उन किसानों के लिए कुछ बेहतर होने वाला है, शायद उनके लिए भी अब सोचने वाली सरकार आ गई। तो देखते हैं कि और क्या आगे हो सकता है किसानों के लिए। ये जो चैनल शुरू कर रहे हैं, इसमें नवीनतम जानकारी मिलेगी, मौसम का हाल मिलेगा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये किसान चैनल चला करके इसको आज लॉन्च हुआ है, इसमें भारत सरकार बधाई की पात्र है। किसानों की समस्याओं का समाधान एक स्थान से मिलेगा। मैं पुनश्चय भारत सरकार को इसकी बधाई देता हूँ। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ये मोदी जी के द्वारा दी जा रही है, जो किसानों को 24 घंटे जो उनकी कृषि के बारे में उनको सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, कैसा मौसम रहेगा, कैसी फसल बनी है, कैसी उर्वरक उसमें डालना है, इन सब चीज़ों के लिए जो ये पहल की गई है, ये किसानों के लिए एक रामबाण औषधि की तरह और एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों को मिलने वाली है। इस चैनल के माध्यम से जो हम किसानों को जानकारी मिलेगी उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिस समय किसान के मौसम के अनुसार अपनी खेती का कार्य कर रहा होता है, उस टाइम अगर उसको सही टाइम पर सही सुझाव और उसके उपाय मिल जाते हैं तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि ये चैनल भारत का नंबर वन चैनल बने और किसानों को हर टाइम की नहीं, एक एक अक्षण की जानकारी देगा ये चैनल, और जिससे हर किसान उपयोग करके अपनी खेती के हिसाब से आमदनी बढ़ाएगा और अपने परिवार को कुशल करेगा। छेड़े बातें बदलाव की। जी हाँ, इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और देश का अन्नदाता यानी किसान, आप देख सकते हैं कि डीडी किसान के लॉन्च के मौके पर कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और देश के कोने कोने से वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। उम्मीद है कि इससे एक नई शुरुआत होगी और जो किसानों की हमेशा से शिकायत रहती है कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को उठाया नहीं जाता, डीडी किसान उन्हें देगा एक मंच। उम्मीद करता हूँ कि किसानों के हित में जितने भी पहलू हैं ये चैनल छूने का प्रयास करेगा और केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं किसानों के हित में लागू होती हैं उनको जन जन तक, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। डीडी किसान बदल दे भारत दिशा। पूरा किसान समाज इस बात को लेकर उत्साहजनक है, क्योंकि अब तक रचनात्मक दृष्टि से किसान के लिए कोई भी चैनल इस तरह का नहीं आया था, ताकि वो जो है मौसम के हिसाब से फसलों की बुआई करे, मंडी के भाव के हिसाब से अपनी फसलों के दाम मांगे। और ये चैनल चलने के बाद में जितनी भी टेक्निकल जानकारी, तकनीकी जानकारी है वो आम किसान तक पहुंचेगी, मंडी के क्या भाव रहेंगे वो आम किसान तक पहुंचेगा, और साल का, सीजन का, वर्ष का मौसम क्या रहेगा और उसके अनुसार किस फसल की कितनी बुआई हमें करनी चाहिए, ये जानकारी जब किसान को मिलेगी तो एक क्रांतिकारी कदम होगा किसान के लिए। इस चैनल से सभी किसानों को बहुत तकनीकी फ़ायदा होगा और किसान चैनल चालू होने से हवामान की बात हो, बियारण की बात हो, बीज की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, कौन सा पाक कब बोना और कितना फर्टिलाइजर डालना, कैसी फर्टिलिटी है, कितना खाद डालना, उसका पता चलेगा। डीडी किसान, भारत किसान, भारत माता की। अद्भुत, अविस्मरणीय अवसर था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों दूरदर्शन के किसान चैनल के शुभारंभ का, किसानों की खुशहाली में सहयोग के लिए माध्यम बनने का अवसर था, देश के अन्नदाता के लिए एक नया अध्याय लिखने का, अज्ञानता के अंधेरे में उम्मीद के उजियारे का। देश के तमाम किसान इस मौके पर पहुंचे विज्ञान भवन पूरे जोशो खरोश में,
पूरे उत्साह में, अपनी परंपरागत पोशाकें पहने, सिर पर बंधी रंग बिरंगी पगड़ियों और दस्तार में। इस स्वर्णिम अवसर पर इतिहास के करवट लेने के साक्षी बने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। दूरदर्शन किसान के लॉन्च के मौके पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब किस तरीके से देखते हैं इस नई पहल को आप? इस देश में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बावजूद भी 2/3 देश की आबादी कृषि पर निर्भर और अज्ञानता का शिकार, जागरूकता नहीं, तो बहुत पहले होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश का किसान आज आभारी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल की और नई सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर में आज किसान टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और देश के किसानों की ओर से उनको बधाई देते हैं। इसके अलावा जो कोशिश की जा रही है वो बहुत ईमानदार है, लेकिन आपको लगता है कि किन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, कृषि में विज्ञान, उसके बिना जो आबादी बढ़ रही है और खेती योग्य जमीन बढ़ने वाली नहीं, उत्पादकता बढ़ाना है या फिर उसकी अच्छी मार्केटिंग हो, उच्च पैदावार के बीज और रोपण सामग्री किसान को मिले, तो इसमें 1 साल के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं सरकार की ओर से, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। सरकारी मशीनरियां हैं, कृषि राज्य का विषय है, उनके माध्यम से हम अपनी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पहल के तहत सीधे देश के किसान, ग्रामीण जनता 24 घंटे और 365 दिन पल पल की जानकारी ले सकते हैं, सारे योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, नई पहल जो होगा उसकी जानकारी मिलेगी और मौसम की भी जानकारी उनको मिलती रहेगी, तो निश्चित रूप से इसका देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको लगता है कि अभी तक जो किसानों तक जानकारी कृषि मंत्रालय खुद भी पहुंचाना चाहता था, ढेरों योजना होती थी लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी, इसके लिए किसान चैनल किस तरह का माध्यम होगा? देखिए, एक तो हम राज्य सरकारों के माध्यम से भेजते थे, दूसरा अभी SMS के तरह या किसान कॉल सेंटर के माध्यम से करते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश के करोड़ों किसान 24 घंटे उनको ये जानकारी मिलेगी, तो निश्चित रूप से इस नई पहल से देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपसे बहुत सारे किसान भी जुड़े हुए होंगे, जब बातें हुई कि ये किसान चैनल आ रहा, तो उनका किस तरह का आपके पास रिएक्शन? देश के किसानों में इतना उत्साह है कि आज आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ किसान आए, निश्चित रूप से इसको लेकर किसानों में काफी उत्साह और उम्मीद है। दूरदर्शन किसान के लॉन्च के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री संजीव बालियान जी। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं दूरदर्शन किसान के लॉन्च के मौके पर। दूरदर्शन किसान आज शुरू हो रहा है, दुनिया भर के किसान इसे देखेंगे, देश भर के किसान इसे देखेंगे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? एक किसान होने के नाते और कृषि राज्य मंत्री होने के नाते देश की 65% जो आबादी है किसान है, उसके लिए पहली बार कोई चैनल आया है, इससे बड़ी खुशी का दिन मेरे लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके रास्ते, इस चैनल के माध्यम से बहुत से रास्ते खुलेंगे किसानों को नई जानकारी देने के, जो अब तक प्रयास थे हमारे, चाहे SMS के माध्यम से और माध्यम से, अब हम किसान चैनल के माध्यम से नई नई तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इन सब की जानकारी किसान तक पहुँचा पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान चैनल देश के किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज यहाँ पर किसानों के बीच जो उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा देश यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोनों से किसान प्रतिनिधि और किसान यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साह कितना है आप देख सकते हैं कि मैं खुद कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ। कोई शुभकामना आप देना चाहेंगे या बताएं हमारे किसान चैनल? ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि किसान चैनल किसान की उम्मीदों पर खरा उतरे, किसान को हर वो जानकारी दे जिसकी किसान को आवश्यकता है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, दूरदर्शन किसान की आज शुरुआत हो रही है, किसानों में काफी उमंग देखने को मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसान चैनल को सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं और किसान चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, किसानों की तरफ जो इनका प्यार है, जो उद्देश्य है, बिल्कुल स्पष्ट रहता है और इसी कारण से उन्होंने आदेश दिए थे कि किसानों तक जो लेबोरेटरीज़ के अंदर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो किसानों तक लेकर जाइए, और शायद यही कारण है
कि ये चैनल अब आपके आंगन तक आएगा, घरों तक आएगा, और ये जो विज्ञान है जो लैबोरेटरीज तक सीमित है वो आप तक पहुंचेगा। साथ ही मौसम का हाल अभी तक जिस तरह चैनलों पे बताया जाता है उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि किसान को मौसम की किस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए, तो इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। और जब मनोरंजन की बात आती है तो फिर मनोरंजन इस तरह से होता है जिस तरह से शहर के लोगों को मनोरंजन चाहिए, तो ये सारा का सारा पैकेज एक तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हस्तकारों के लिए, सबको उपलब्ध होगा। तो ये एक बहुत अपने आप में एक नई शुरुआत है और दुनिया की ये सबसे पहली 24 घंटे की किसान चैनल होगी। आज एक ऐतिहासिक पल है, आज शुरुआत हुई है दूरदर्शन किसान की। विज्ञान भवन में आज देश के हर कोने से किसान मौजूद हैं। देश का हर कोना, हर कोने का रंग, हर कोने की सांस्कृतिक झलक यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ किसान आए हैं एक आशा और एक उम्मीद के साथ आए हैं कि उनके लिए कुछ नया होने जा रहा है। उनको समर्पित 24 घंटे का एक नया चैनल शुरू हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ उनको उनके बारे में जानकारी देंगे, उनके खेतों से जुड़ी जानकारी देंगे। तो आज शुरुआत हुई है दूरदर्शन किसान की और ये उत्साह और उमंग सभी किसानों के चेहरों पर दिखाई दे रहा है और हजारों की संख्या में किसान यहां पर आए हैं ये जानने के लिए कि दूरदर्शन किसान उनके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। दूरदर्शन किसान बिना रुके बिना थके किसानों की आवाज, उनकी भागीदारी, उनका उत्सव, उनका उत्साह देश तक पहुंचाता रहेगा। अभी तक किसानों के लिए कोई मंच नहीं था, लेकिन दूरदर्शन किसान एक मंच के तौर पर उभर कर आया है। कहते हैं संगीत में वो ताकत होती है जो कि दिल को दिल से जोड़ता है, आत्मा की आवाज जन तक पहुंचाता है संगीत। और हमारे साथ हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने डीडी किसान का थीम सॉन्ग भी गाया है, अपनी आवाज दी है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, आपका ये लोकगीत का जो अंदाज है और साथ ही जो थीम सॉन्ग आपने गाया है वो बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत आभार, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि ये गीत सबको पसंद आ रहा है, और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि एक सुंदर परिकल्पना जो मुझे लगता है बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था किसानों के लिए उनका अपना चैनल, इसकी जब प्रस्तावना, इसका जब प्रस्ताव आया दूरदर्शन की ओर से और इस गीत को लिखा था आलोक श्रीवास्तव जी ने, बड़ा खूबसूरत मैंने शब्द देखे और मुझको जो उसमें बातें हैं सफाई की और शिक्षा की, एक जो एक आप कह सकते हैं स्टीरियोटाइप जो एक एक ढर्रे के गीत उनसे बहुत अलग था, एक उसमें बहुत ताजगी थी गाने में। और बस बैठकर मैंने सोचा कि गाने की धुन ऐसी हो जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सुने तो उन्हें अपनी लगे, तो बस वैसी बन गई और वैसी तैयार हो गई, आप सबके सामने अब बज भी रही है, सबको अच्छा लग रहा है। तो मुझे खुशी इस बात की कि डीडी के साथ तो हमारा अपना ये बहुत पुराना, मैं कहूँगी एक संबंध है हम लोग जब से बड़े हुए, लेकिन डीडी किसान के साथ इतना सुंदर एक संबंध बना उसके लिए मुझे गर्व है भारतीय होने पर। कहते हैं जब भी कोई गायक कोई गाना गाता है तो दिमाग में उसकी छवि भी चलती है, जब आप ये गाना गा रही थी तो आपके दिमाग में क्या छवि थी? देखिए मैं लोकगीत गाती हूँ तो मेरे गाने वैसे ही माटी से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, खेत खलिहान के हैं, किसानों के हैं, उनके परिवार के हैं, उनकी तपस्या के हैं, उनके वियोग के हैं, उनके कष्ट के हैं, उनके उत्सव के हैं, वो मैं सालों से वही गा रही हूँ। तो ये गाना देख करके एक क्षण भी नहीं लगा उनकी
दिल में क्या चलेगा, उनके हृदय में क्या अरमान है देश को लेकर। सरकारी कोई योजना यदि दिल्ली से घोषणा होती है उसकी, तो वो यदि सुदूर बैठे ग्रामीण या किसान तक पहुंचती है, उसकी उसके प्रति कैसा एक आप कहें भाव होना चाहिए, कैसी चेतना जागनी चाहिए। तो मुझे लगा कि गाना ऐसा हो जो एक तो झकझोरे, चेतना उनमें लेकर आए, लेकिन भाषण जैसा ना लगे, बेसिकली एक गाना हो जिसमें कि उसको सुन के नाचने का मन करे और गाने को सुन के नाचते झूमते गाने के शब्द उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दो क्षण थमने को मजबूर करें, सोचने को मजबूर करें। आपने भाषा और शब्द का यहाँ पर जिक्र करा है, तो मैं बहुत ध्यान से इस गाने को सुन रही थी और आपने जो भाषा कहें या फिर जो अंदाज़ है किसानों की जुबानी ये सब कहाँ से आया? ये मेरा अपना, भाई मैं तो भैया उत्तर प्रदेश की हूँ और ये तो हमारी अपनी माटी अपनी बोली है। आप जिस जगह के लिए जिस श्रोता के लिए जो गीत गा रहे हैं वैसे ही जाना चाहिए। मुझे तो टोका भी गया, ये कहा गया कि नहीं भैया ज़ुबानी कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे तो भैया ज़ुबानी चलेगा, ज़ुबानी के लिए जगह अलग है, यहाँ पे तो ज़ुबान चलेगा। जो हम उन्हें ये लगे कि भाई आम आदमी ने गाया है, जो ऐसा कोई ना लगे कि कोई बिल्कुल मुंबई दिल्ली का कोई स्टार आके गा रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए कि यदि वो बैठ कर के चौपाल में यदि दूरदर्शन खोलते हैं, सरकारी योजनाएं सुनते हैं या देश को आगे बढ़ते देखते हैं, तो एक गाना उनको ऐसा सुनाई दे जो लगे कि हाँ अपने घर की कोई बिटिया माइक पर गा रही है। बस वही एक भाव था, इसलिए वो चूंकि मैं ये गाती भी हूँ इसी अंदाज में, तो वो शब्द वो अंदाज स्वतः आ गया, वो था ही था। आपको क्या लगता है कि लोकगीत और किसानों का कैसा संबंध है, इस संबंध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हैं तो लोकगीत हैं, जैसे किसान हैं तो हम हैं, इसी तरह लोकगीत हैं तो परंपराएं हैं, परंपराएं तो हमारी अपनी एक पहचान है। और मैं तो जब भी जाती हूँ गाती हूँ तो मैं लोकगीतों के संग संग ये बात बोलती हूँ मंच पर कि आगे बढ़िए, तरक्की करें, आगे बढ़ना वक्त का तकाजा है, लेकिन पीछे की जो धरोहरों को हैं उनको मजबूती से थामे रखें। तो मुझे लगता है ये हमारे गाँव, हमारे पुरखे जो हमारे पिछली पीढ़ी के भी थे और शहर में भी आकर के जितनी बड़ी बुज़ुर्गों की पीढ़ी है, उन्होंने धरोहरों को बड़ी शानदार तरीके से कहिए कि थाम के रखा हुआ है। तो किसान हैं तो परंपराएं हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, हम कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे। और मुझे लगता है, मैं जैसा देखती हूँ, क्योंकि मैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेतु हूँ इस बीच में, क्योंकि मैं किसानों के लिए गाने गाती हूँ, उनके बीच बीच में जाकर गाती हूँ, तो मुझे जैसा परिकल्पना इस चैनल की दिख रही, मुझे लगता है कि अभी तक हमने मनोरंजन के कार्यक्रमों के ज़रिए, बड़े चैनल्स के ज़रिए किसानों को जोड़ने का कोशिश किया है, या एक चौपाल कार्यक्रम पहले आता था उसके ज़रिए जोड़ने का कोशिश किया, जब उनकी भाषा उनकी ही सेंसिबिलिटीज़ के साथ उनकी अपनी चीज़ उनके सामने पेश होगी, तो मुझे लगता है एक सेतु बनेगा कि हमें जो कुछ सीखना है हम किसानों से सीखेंगे और जो कुछ उनको भी आधुनिक हो रही तकनीक से सीखना है वो भी सीख सकेंगे। मालिनी जी, आप हमें मिले हैं तो हम आपसे बिना गवाए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि ये मौका बहुत खास है, उत्सव का आपने जिक्र किया, ये भी एक उत्सव है, डीडी किसान आ चुका है किसानों के लिए, देश के लिए, तो चंद लाइनें हो जाए इसी थीम सॉन्ग के। छेड़ो जी छेड़ो भैया पीड़ा किसान की, छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, हो छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की, छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, छेड़ो जी छेड़ो भैया छेड़ो, साफ सफाई घर मा राख्यो, साफ राख्यो चौपाल, बिटिया को स्कूल मा भेजो पढ़वाओ गोपाल, खेतन में जाके सुनियो खेतन में जाके सुनियो खेत खलिहान की, छेड़ो जी छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की, अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की, अपनी ही धुन में सुनियो अपनी जुबान की, छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान की। भवन विज्ञान का बातें किसान की, जी हाँ, लगभग 1.5 घंटे चले इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ बातें हुई किसान की, और बात हुई कि किसान को
को कैसे जोड़ा जाए विज्ञान से ताकि खेती किसानी में हो सके बेहतरी। बिल्कुल, खेती किसानी में हो सके बेहतरी और किसानों के चेहरे पर उत्साह और उमंग देखने को मिला और हर तरफ किसानों के चेहरे पर यही आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि उनके लिए कुछ नया हो गया है, उनके लिए कुछ बेहतर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस तरह से पुराने जमाने में माना जाता था कि उत्तम है खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ है नौकरी, ये सोच कहीं ना कहीं खो गई थी, ये सोच बदल गया था। अब इस सोच को वापस लाना है और फिर से खेती किसानी को उत्तम बनाना है, जिसे हम कनिष्ठ मानने लगे थे, और इसमें एक बदलाव लाना है, खेती किसानी को वापस बेहतर समझना है और इसे बेहतर बनाना है और कह सकते हैं कि इसे विज्ञान का रूप देना है अंजू। और यही कोशिश की गई। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक हल भेंट किया गया, एक पारंपरिक टोपी भेंट की गई, यानी एक कोशिश की गई ये बताने की कि किसान के ही हल से है देश की सभी समस्याओं का हल। बिल्कुल, देश के सभी समस्याओं का हल। और मोदी जी ने जैसा कहा अंजू कि अगर आपको देश का विकास करना है तो गाँवों का विकास करना होगा, और गाँवों का विकास करना है तो किसानों की समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा। और इसी समाधान को ढूंढने के लिए कह सकते हैं कि किसान रथ भी निकला है किसानों के लिए, जो किसानों को बताएगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कहां से ढूंढा जा सकता है। मैं आकांक्षा, विज्ञान भवन से, दूरदर्शन किसान के लिए। मैं अंजू सिंह, विज्ञान भवन से, दूरदर्शन किसान के लिए।